हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। आज है 23 मार्च, हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और सबसे पहली न्यूज़ म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर के बारे में है, तो चलिए देख लेते हैं। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, हम इसके बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले ज़रा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्या हुआ कि जो नोकिया है वो एक फिनलैंड की एक कंपनी है, ठीक है, और इनका इंडिया में चेन्नई में भी एक सेटअप था जहाँ पे ये नोकिया के जो डिवाइसेस थे उनको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो उसका नाम नोकिया इंडिया हो गया, ठीक है। अब जो नोकिया फिनलैंड का जो फर्म था, नोकिया इंडिया ने वहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किए, उनको डाउनलोड किया और फिर जो डिवाइस इंडिया में बनाए गए उनमें उनको एम्बेडेड कर किया गया, ठीक है। तो अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने नोकिया इंडिया पर 2000 करोड़ रुपये का टैक्स ठोक दिया है, ठीक है। और उनका कहना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि आपने TDS से डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है, समझ आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोकिया इंडिया फर्म पर 2000 करोड़ रुपए का टैक्स ठोक दिया। उनका कहना है कि आपने डिफ़ॉल्ट किया है TDS से, है ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। TDS आप समझते ही होंगे, नहीं समझते हैं तो बता देता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जब आप सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं, कोई भी कंपनी या पर्सन जब एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा का पेमेंट करता है तो आपको TDS कटवाना पड़ता है, है ना। और ये जो TDS होता है वो टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक होता है, कई सारी चीज़ों पे लगता है, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक्स, कमीशन पेमेंट, रेंट पेमेंट, कंसल्टेशन फी, प्रोफेशनल फीस, है ना। तो इन लोगों ने TDS का डिफ़ॉल्ट किया, इसलिए इस पर 2000 करोड़ रुपये का टैक्स ठोक दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब क्या है कि 2000 करोड़ रुपए, कोई 200-500 रुपए तो है नहीं है कि जेब से निकाल के दे दिया, तो इस पे 2000 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया। तो जो नोकिया इंडिया थी, अब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए बात की जा रही है। अब हम बात म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर की कर लेते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एक प्रोसीजर होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। देखिए, जो फिनलैंड की कंपनी है नोकिया और इंडिया, है ना, एक हमारी जो कंट्री है, तो इन लोगों ने ये फर्म सेट करने से पहले म्यूचुअल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किए जाते हैं ना, कि डबल डबल टैक्स वगैरह नहीं लगे। लेकिन जब कभी ये लफड़ा हो जाता है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान करता है, तो फिर ऐसे में हमारा जो DTAA है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो उसी के मुताबिक म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर किए जाते हैं। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर एक प्रोसीजर होता है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं दोनों स्टेट के, क्या मतलब हुआ, है ना, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी फिनलैंड कंपनी की और हमारी इंडिया की, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव डेजिग्नेट किए जाएंगे दोनों स्टेट के, वो आपस में साथ बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उनका मकसद होता है टू रिजॉल्व टैक्स डिस्प्यूट, ठीक है। यही था हमारा म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, ठीक है। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर एक अल्टरनेटिव अवेलेबल होता है टैक्स पेयर के लिए, किस लिए, ताकि जो डिस्प्यूट हैं जो कि डबल टैक्सेशन के कारण अराइज हो रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। अब इसमें बात की गई है कि जो डिस्प्यूट हैं वो जुरिडिकल और इकोनॉमिक दोनों नेचर के हो सकते हैं। अब ज़रा हम इनका भी मतलब समझते हैं। देखिए, जुरिडिकल क्या होता है, डबल टैक्सेशन में जुरिडिकल का मतलब ये है कि यदि कोई एक पर्सन है और उसकी जो इनकम है उसको दो अलग अलग स्टेट में यदि उस पर टैक्स देना पड़ता है तो ये कहलाता है जुरिडिकल। इसका क्या मतलब हुआ, जुरिडिक्शन के कारण यदि आपकी इनकम पर अलग अलग जगह दो अलग अलग स्टेट में टैक्स देना पड़ रहा है, दो अलग अलग कंट्री में टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो जुरिडिकल हो गया। और इकोनॉमिक का क्या मतलब हुआ, यदि कोई सेम आइटम पर बहुत सारे बंदों से टैक्स वसूला जा रहा है तो वो कहलाता है इकोनॉमिक। समझ में आ गया, इफ मोर देन 1% इज टैक्सड ऑन द सेम आइटम तो ये आपका इकोनॉमिक कहलाता है, है ना। तो मैप जो होता है हमारा म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, इसमें जुरिडिकल और इकोनॉमिक नेचर के जो भी टैक्स डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, डबल टैक्सेशन के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है, दोनों तरफ के जो भी डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, अथॉरिटी रहती हैं, साथ में बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे निपटाया जाए, ठीक है। तो यही था हमारा म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, ज़्यादा काम का तो नहीं है बहरहाल, लेकिन न्यूज़ में है तो फिर भी देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ ई विधान प्रोजेक्ट के बारे में है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को और ज़्यादा ब्रॉडर करते हुए ई विधान प्रोजेक्ट लेके आई है,
जिसमें गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसको पेपरलेस करने जा रही है, चीज़ों को डिजिटलाइज करने जा रही है। ठीक है, ई विधान प्रोजेक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट क्लीनलीनेस को प्रमोट करना चाह रही है, जो पेपर वर्क होता है उसको रिड्यूस करना चाह रही है, एनवायरमेंट सेफ्टी की बातें की जा रही हैं। ई विधान प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक नोडल मिनिस्ट्री होगी इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश हमारी कंट्री का पहला ऐसा स्टेट है जिसने ई विधान प्रोजेक्ट को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये था ई विधान प्रोजेक्ट के बारे में। फिर से बात करता हूँ, ई विधान प्रोजेक्ट में जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं उसको पेपरलेस किया जा रहा है, वहाँ की जो फंक्शनिंग है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। तो इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता होगा कि 2017 में इन्होंने SCO को ज्वाइन किया था, तो ये पहला मौका है कि अब 24 अप्रैल को SCO की मीटिंग होने वाली है, तो इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। SCO की बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये शंघाई पैक्ट के माध्यम से बना था। 1996 में शंघाई 5 करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान थे। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 2001 में, तो फिर इसका नाम चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ठीक है, ये एक यूरेशियन, ठीक है, इसमें यूरोप और एशियन कंट्री शामिल हैं, जो कि उनका एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जून 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना सिटी में इंडिया और पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये भी अब इसके मेंबर हो गए हैं। SCO में कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, उनको ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ठीक है, SCO के गोल की बात करें तो बड़े जनरल से पॉइंट्स हैं, जो भी आपके दिल में आए आप सोच सकते हैं कि ट्रेड को बूस्ट किया जाएगा, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, रिसर्च टेक्नोलॉजी, कल्चर, म्यूचुअल ट्रस्ट, नाइवलीनेस, ठीक है, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके बाद पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाएगा, डेमोक्रेटिक एंड फेयर एंड रीजनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, कोई भी ऐसे स्पेशल पॉइंट नहीं है, जो भी आप सोचें वही सब कुछ है SCO में, कि सभी तरह का कोऑपरेशन किया जाएगा, ट्रेड को बूस्ट किया जाएगा, इकोनॉमी को, पीस, सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद ये लोग एनर्जी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर सभी को प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा SCO के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड के बारे में है। तो यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है, जिसका मकसद जो रोड एक्सीडेंट में जान चली जाती हैं उनकी हेल्प करना है। ठीक है, इस फंड के बारे में और बात करें तो ये जो फंड होगा ग्लोबल रोड सेफ्टी को की जो प्रोग्रेस है उसको इम्प्रूव करेगा, और जो भी रिसोर्सेस हैं जो सही से मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं, कहीं पर गैप्स रह जाते हैं, ये उनको फुलफिल करेगा। ठीक है, इसके बाद जो भी वेरियस डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इंटर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर, तो जो रिसोर्सेस हैं वो सही से मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं, ये वहाँ पर भी काम करेगा। इसके बाद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ठीक है, हमारा जो यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड है उसके लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप एक एज ए सेक्रेटरीट वर्क करेगा। ठीक है, इस फंड के वर्क में आ जाने से इसमें ये जो फंड है 5 पिलर्स पे काम करेगा। सबसे पहला ये है कि जो रोड सेफ्टी मैनेजमेंट है ये उसको स्ट्रेंथन करेगा। दूसरा ये है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, रोड नेटवर्क को और ज़्यादा ब्रॉडर करेगा। ठीक है, जो व्हीकल्स हैं उनकी सेफ्टी को इन्हेंस किया जाएगा, रोड यूज़र्स के बिहेवियर को चेंज लाया जाएगा, और यदि जो पोस्ट क्रैश केयर होती है उसको भी इसमें इम्प्रूव करने की बात की गई है। ठीक है, कुछ और बातें करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए थे 2015 में, जिसमें 17 डेवलपमेंट गोल हैं, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में बात की गई, इंश्योर हेल्दी लिव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, तो जो हेल्दी लाइफ है
सभी लोग वेलबींग रहें एट ऑल एजेस, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में बात की गई थी, जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन जो हमारा ट्रस्ट फंड है रोड सेफ्टी फंड, तो उससे ये रिलेट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट 3.6 में बात की गई है कि 2020 तक जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो भी ग्लोबल डेथ हो रही हैं उनके नंबर को हमको आधा करना है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में बात की गई थी कि जो हमारी सिटीज़ हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, उनको इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट और सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, तो ये था हमारा यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी फंड के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ एशियन प्रीमियम के बारे में है। तो इंडिया चाइना और इंडिया चाइना को लेके और अदर एशियन कंट्रीज़ को साथ में लेके एशियन प्रीमियम के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। एशियन प्रीमियम होता क्या है? जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जब उनको जो ऑयल रहता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है, इसी को एशियन प्रीमियम बोला जाता है। फिर से बोलता हूँ, ओपेक कंट्री जो अपना ऑयल सप्लाई है जब वो एशियन कंट्रीज़ को सेल करते हैं, उसको बेचते हैं, तो वो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाया जाता है, इसी को एशियन प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है, अब कंसर्न की बात करें तो कंसर्न में यही है कि हमारी जो 85% जो ऑयल सप्लाई है वो ओपेक कंट्री से है, और हर एक कंट्री के लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है, और यदि इसमें ये प्रीमियम लगाते हैं, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है हमको महंगा मिलेगा और हम है ना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि थोड़ा कॉम्पिटेटिव रेट पर हमको जो पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, या जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो हमको सप्लाई होना चाहिए। थोड़ी सी बात हम ओपेक के बारे में कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको बनाया गया था 1960 में। ठीक है, इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला शामिल थे उस समय, लेकिन अभी करेंट में इसमें 14 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसका जो HQ है वो वियना ऑस्ट्रिया में है September 1, 1965 से। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले इसका जो सेंटर था वो जेनेवा में था, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अभी करंट में इसका जो HQ है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। और ओपेक के मकसद की बात करें तो ये जो ओपेक जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ताकि फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस को मेंटेन रखाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ये कोशिश करता है, ये ग्रुप कोशिश करता है कि रेगुलर सप्लाई रखी जाए पेट्रोलियम की, ताकि जो कंट्री हैं, जो इंडस्ट्री हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, उनको रेगुलर कैपिटल का गेन होता रहे, है ना, उनके हितों की रक्षा करता है। सिंपल सी बात इतनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है। तो ध्यान रखिएगा, FATF G7 कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, किस बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। जो अपना FATF है ये लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स अपनाता है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे कॉम्बैट किया जा सके। ठीक है, जो भी लीगल मुद्दे रहते हैं, ठीक है, जो भी ऑपरेशनल मेजर्स रहते हैं, ये उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये स्टैंडर्ड सेट करता है, कोशिश करता है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कोई थर्ड नहीं आए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा FATF के बारे में कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स अपनाता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट किया जा सके, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट करता है ताकि कोई भी थर्ड आता है फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्टर्ब करने के लिए तो उससे लड़ा जा सके। ठीक है, इसके अलावा और भी बातें दी गई हैं कि ये नेसेसरी मेजर्स अपनाता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के लिए, टेक्निक्स की बात करता है, काउंटर मेजर्स अपनाता है। ठीक है, इसके अलावा ये अप्रोप्रिएट मेजर्स बताता है ग्लोबली जो भी कंट्रीज़ FATF से जुड़े हुए हैं, है ना, जो भी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर इससे जुड़े हुए हैं, ये उनके यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, G7 का इनिशिएटिव है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वहाँ पे कोई थर्ड ना हो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो,
उसको रोकने की ये बॉडी बात करती है। अब कंटेक्स्ट देखते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा है ये उसको स्टैंड अलोन ऑफेंस डिक्लेयर करने की बात कर रहा है। 2010 में FATF और इंडिया ने साथ मिलकर म्यूचुअल एवेल्यूएशन किया था हमारी कंट्री में, और जो FATF है वो काफ़ी हद तक खुश भी था कि भाई आपकी कंट्री अच्छा काम कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ मुद्दे बताए थे, कुछ लैकुना बताए थे कि काफ़ी समस्याएं हैं आपके लेजिस्लेशन में, ठीक है, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे हैं है ना उसमें अभी भी समस्याएं हैं। तो गवर्नमेंट ने जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए, इसके बावजूद भी जो PMLA है वो प्रीडिक्टेड ऑफेंस ओरिएंटेड लॉ बन के रह गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्ट है इसके मतलब कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम करता है तो अभी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं इस केस के तहत। जैसे कि सबसे पहले प्राइमरी एजेंसी CBI हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा, फिर पुलिसिंग होगी, फिर जुडिशरी, तो इस तरीके से इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है और कई बार तो जो मनी लॉन्डरर हैं ऑफेंडर हैं वो भाग जाते हैं, है ना। तो अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि हम इसको स्टैंड अलोन ऑफेंस में अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, स्टैंड अलोन ऑफेंस में अपग्रेड कर देंगे मतलब ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके, है ना, जो ऑफेंडर हैं उनको पनिश किया जा सके, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में है। तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसने बाबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट लगाया है जो उन्होंने इंडिजिनसली बिल्ट किया है, ठीक है। बाकी इसके क्या पर्टिकुलर हैं हम डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये हमारे लिए काम का है, लेकिन बस एक फैक्ट है आप इतना ध्यान रख लें कि जो बाबर क्रूज मिसाइल है ये पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल है ना, उन्होंने इंडिजिनसली इसको बिल्ट किया है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, चलिए शुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने कुछ जो पुरानी न्यूज़ थी मेरी छूट गई थी 16 तारीख के लगभग, तो हमने वो भी डिस्कस किए हैं, है ना, और कुछ अभी 22 तारीख की जो न्यूज़ हैं वो भी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर के बारे में बात की, जिसमें हमने पूरा नोकिया का मुद्दा देखा, और फिर मैंने बताया था कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के तहत म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें मैंने बताया कि जो दो कंट्री रहती हैं, दो अलग अलग स्टेट होते हैं, वहाँ के जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती हैं डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो साथ में बैठ जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं ताकि जो टैक्स डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। इसके बाद हमने ई विधान प्रोजेक्ट के बारे में बात की, जिसमें मैंने बताया था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी फंक्शनिंग को डिजिटलाइज करने के लिए ई विधान प्रोजेक्ट लाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री होगी। हमने ये भी बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश है उसने ई विधान प्रोजेक्ट अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी हमने, जिसमें बताया था कि जो इंडिया और पाकिस्तान है इन्होंने 2017 में अस्ताना कजाकिस्तान में जो SCO है वहाँ की जॉइनिंग ले ली थी। हमने SCO के बारे में ही बात की थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमने बताया था कि ये जो बॉडी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2001 में बना था। हमने इसमें बताया था कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजाकिस्तान ये सब लोग साथ में थे, ठीक है, और फिर इसमें 2001 में इसमें वो शामिल हो गया, सॉरी मैं गलत बोल गया, 1996 में ये सब लोग साथ में आए थे आपका, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजाकिस्तान। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हो गया और फिर इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, और 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी साथ में आ गए थे। हमने इसके फंक्शन की बात की थी तो हमने बोला था कि सभी टाइप के कोऑपरेशन इसमें बात की गई है, पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड की बात की, तो हमने बोला था कि जो रोड सेफ्टी है वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा चैनलाइज करने के लिए, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड बनाया गया है, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप इसके लिए सेक्रेटरीट वर्क करेगा इस ट्रस्ट फंड के लिए, है ना। हमने बात की थी कि ये जो रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड है रोड सेफ्टी की बात करता है। हमने इसमें ये भी बात की थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है ना, उसमें जो ग्लोबल रोड एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है 2020 तक उनको आधा करना था। इसके बाद हमने एशियन प्रीमियम के बारे में बात की, तो हमने बताया था कि जो OPEC कंट्री हैं वो एशियन कंट्रीज़ पर ज़्यादा चार्ज लगाती हैं
है ना, उनसे ज़्यादा प्रीमियम वसूलती हैं, इसी को एशियन प्रीमियम बोला जाता है। हमने ओपेक कंट्री के बारे में भी बात की थी, जिसका फुल फॉर्म था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। हमने इसमें बताया था कि जो बगदाद है, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, वहाँ पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला साथ में आए थे और ओपेक कंट्री का ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें 14 मेंबर्स हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्री शामिल नहीं है इसमें, वेनेजुएला जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है वो भी इसमें शामिल है। और हमने बताया था कि ये जो क्रूड ऑयल है, जो भी इनका एक्सपोर्ट है ना, जो भी इनके हित रहते हैं है ना, उसका ये बचाव करते हैं, ये रेगुलर पेट्रोलियम सप्लाई पे फोकस करते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, ताकि कैपिटल का जनरेशन किया जा सके। इसके बाद फिर हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात की थी, तो हमने बताया था कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये G7 कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव है और आपका इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में इसको सेटअप किया गया था और इसका काम क्या था, ये मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस करती है, टेररिस्ट फंडिंग, इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है वहाँ पे कोई थर्ड जनरेट होता है तो ये उसके लिए पॉलिसी बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, और जो वेरियस कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग के क्या रूल्स रेगुलेशन है ये उनको मॉनिटर भी करती है। हमने इस पर इंडिया की भी बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि इंडिया जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, उस पर फोकस कर रहा है, उसको कॉम्पिटेंट बनाने की बात कर रहा है ना। इसके बाद हमने बाबर मिसाइल के बारे में डिस्कस किया था, बहरहाल वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।